नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एग्जाम लोकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज देख रहे हैं हमारे पास दो बुक्स हैं, महेश कुमार बनवाल की एक सीरीज 15 और एक सीरीज 14। दोस्तों, ये दोनों ही एनसीईआरटी बेस्ड है और महेश कुमार बनवाल की है, और इसमें जो अंतर क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। दोनों में से अगर आप कोई भी बुक लेना चाहें तो वो कौन सी बुक लें जिससे कि आपको ज़्यादा फायदा हो और आपके पैसे भी बच जाएं दोनों बुक के। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस बुक के बारे में जो है बताता हूँ। ये इस बुक का 2022 का एडिशन है। इसके बाद में एक और एडिशन आ गया है, वो हम अभी लेकर के नहीं आए हैं। बाकी दोनों में कंपैरिजन करेंगे कि दोनों में से कौन सी ज़्यादा अच्छी रहेगी आपके लिए, कौन सी आपको खरीदनी चाहिए। तो सबसे पहले तो इसके जो दोनों बुक के रिव्यू है वो हम अलग-अलग दे चुके हैं। अगर आप डिटेल्स में रिव्यू देखना चाहते हैं तो वहाँ से देख सकते हैं, और जो कंटेंट है उसकी पीडीएफ देखना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, प्राइस की बात करूँ मैं यहाँ पर, तो दोनों की प्राइस तो लगभग सेम ही है। आप देख सकते हैं ये 480 और 499, ज़्यादा अंतर नहीं मिलेगा आपको। 10-15-20 रुपये का यहाँ पर डिफरेंस है प्राइस में। उसके बाद में पेजेस की बात करूँ तो देखिए, मैं आपको पेजेस दिखाता हूँ। साइज इसका दोनों का लगभग सेम ही साइज़ है, बिल्कुल भी ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं लगेगा। कोई 10-15 पेजेस का ही आपको अंतर मिलेगा यहाँ पर, जो कि इसमें ही आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये न्यू एडिशन में तो काफ़ी चीज़ें नई भी ऐड हुई होगी इसमें। अब देखिए, यहाँ पर मेन जो बात है वो है इसके कंटेंट की। तो मैं यहाँ से जो इसका सारणी है वो स्किप कर देता हूँ दोनों की ही। हम टॉपिक्स पर आ गए हैं। यहाँ पर इतिहास है और यहाँ पर जो है पॉलिटी ओपन है। देखिए, यहाँ पर जो है इस बुक में जो आपकी सामान्य ज्ञान वाली है उसमें ज़्यादा डिटेल्स दी गई है मुकाबले इसके, क्योंकि ये है वन लाइनर और इसमें पॉइंट टू पॉइंट ये देख सकते हैं क्वेश्चन लिखा हुआ है और आंसर है, क्वेश्चन है आंसर है, इस तरीके से दिया गया है। जबकि इस बुक में आपको डिटेल्स में एक एक चीज़ें ये देख सकते हैं इस प्रकार से दी गई है, जिससे कि इसमें ज़्यादा डिटेल्स मिलेगी और इसमें काफ़ी कम चीज़ें ऐड की गई है, काफ़ी चीज़ें छूट भी जाती है। हालांकि कोशिश काफ़ी की गई है सभी चीज़ें कवर हो, पर इसमें ज़्यादा अच्छे से है। और अगर रिवीजन के पर्पस से भी आप लेते हैं तो ये बुक ज़्यादा अच्छी रहेगी सामान्य ज्ञान वाली इसके मुकाबले में। एक जो चीज़ है वो यहाँ पर मैं बता देता हूँ। देखिए, जैसे ही ये हमारी पॉलिटी चल रही है, यहाँ पर जैसे ही हमारा टॉपिक ख़त्म होता है, नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चंस ऐड नहीं है, इसमें भी सेम है, यहाँ पर भी क्वेश्चंस ऐड नहीं है, एक भी क्वेश्चंस नहीं दिए गए हैं। डायरेक्ट दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि इसमें पेजेस जो हैं वो कुछ हद तक कम किए गए हैं। बाकी दोनों बुक में से ये ज़्यादा अच्छी है अगर आप रिवीजन पर्पस से ले रहे हैं तो। और इसमें जो है वो इतनी ज़्यादा डिटेल्स भी नहीं दी गई है जो आपको पूरा टाइम लगे, जल्दी रिवाइज कर सकते हैं अच्छे से, पूरी GK GS कंप्लीट एकदम से रिवाइज अच्छे से हो जाएगी इस बुक के ज़रिए। तो दोनों में से जो है मुझे, मैं आपको रिकमेंड करूँगा ये वाली बुक। हालांकि ये बुक भी काफ़ी अच्छी है, अगर दोनों का कंपैरिजन करें तो ये बुक इसमें एक प्लस पॉइंट है, ये आप लें। अगर आपके पास पहले से ही ये वाली बुक है तो इसे खरीदने की इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। बाकी अगर आप फिर भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, हमने दोनों ही बुक के बारे में अच्छे से आपको बता दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कर दें, हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज्वाइन कर लें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।